अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है ब्रेड चिकन चीज़ रोल। तो सबसे पहले हम तेल के अंदर अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, उसको अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके अंदर चिकन डाल देंगे बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और उसको अच्छे से हम मिला लेंगे अदरक लहसुन में। अदरक लहसुन को 5 मिनट तक सिर्फ तेल में भून ले, उसके बाद में फिर चिकन डाल के उसको अच्छे से मिला ले। यहाँ पे जब चिकन अच्छे से मिक्स हो जाएगी अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी काली मिर्ची पाउडर, जो अभी आपको आगे वीडियो में नज़र आएगा। ये देखो चिकन अच्छे से यहाँ पे अदरक लहसुन में मैरिनेट हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक थोड़ा, क्योंकि इसमें मुझे चीज़ डालना है तो नमक थोड़ा कम ही हम शामिल करेंगे। 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा। काली मिर्ची भी फ्रेंड्स मैं भून के पीस के रखती हूँ और ज़ीरा भी भून के पीस के रखती हूँ, तो भूनने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम ये सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में मैं इसमें 1 कप पानी डालूँगी, पानी से चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और ढक के इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। स्लो गैस पे पकाएंगे हम। देखो अच्छे से चिकन यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। और इसको 5 मिनट पकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी नज़र आ रहा था। अब पानी पूरी तरीके से सूख गया है, तो इसमें मैंने तीनों कलर वाली शिमला मिर्ची काट के बारीक बारीक टुकड़े में डाल दी हूँ। अब इसमें मैं 2 चीज़ के स्लाइस डालूँगी, अमूल चीज़ के स्लाइस है ये। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के मेयोनीज़। अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना मेयोनीज़ पसंद है उतना डालें, कम भी डाल सकते, पर ये थोड़ा मतलब गीली टाइप की रेसिपी होती है, तो इस वजह से चीज़ी चीज़ी इसका टेस्ट रहता है, तो थोड़ा इसको हमें सॉफ्ट रखना है। ये देखो एकदम अच्छे से यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें प्याज की भाजी, जो प्याज की भाजी आती है साथ में, उसके आगे के साइड वाला हिस्सा जो अनियन रहता है, वो क्रीम चीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट करता है, तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ में 3 से 4 हरी मिर्ची फिक्की वाली, वो भी डाल दूँगी। ये दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड के साइड के अपन कॉर्नर निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर इसको बेल लेंगे। मैंने पहले से ही कॉर्नर निकाल के रखी थी ब्रेड के, अभी इसमें मैं ये फिलिंग डाल के इसको रोल के शेप में बना लूँगी। आटे का घोल साइड में लगा लेंगे हम बना के। इसी तरीके से हमको सब
ब्रेड को इसी तरीके से रोल कर लेना है। मैंने पूरे एक पैकेट का बनाई थी। अगर आपको इसको फ्रिज में रखना है उठा के और आधा रोल बनाना है तो वो भी आप रख सकते हो। 4 से 5 दिन तक ये चलेगा आराम से। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और मेरी रेसिपी को बनाकर अपनी फैमिली के साथ में ज़रूर इंजॉय करो। अल्लाह हाफिज़।